हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के तीसरे वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मीन डेविएशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देख लेते हैं। तो पहला है फोर अनग्रुप डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में मैंने यही बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनग्रुप डेटा क्या होता है, ऐसा मैंने लिख भी रखा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, एक सिंगल चेन में दिया गया हो या सिंगल रो में दिया गया हो, उसे बोलते हैं अनग्रुप डेटा। तो उस केस में मीन डेविएशन, मैं एम डॉट डी से लिख रहा हूँ, मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, एम डी इक्वल टू समेसन ऑफ आई इक्वल टू वन, यानी वन से लेकर कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, अपॉन एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। अब ये समझना है कि फॉर्मूला में इन सारे टर्म्स जो मैंने यूज किया उसका क्या क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका समेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन से लेकर थ्री तक और यहाँ पे एक्स लिखा गया, इसका क्या मतलब, एक बार हम यहाँ पे वन डालेंगे, फिर एक बार हम टू डालेंगे और एक बार थ्री डालेंगे एक्स की जगह पर, यही इसका मतलब है समेशन का। यानी कि समेशन की जगह पर हम सीधे या सिंबल का यूज कर सकते हैं सम के जगह पे। और यहाँ पे एक्स आई क्या है, यानी कि पहला जो टर्म जो हम ले रहे हैं एक्स वन, यानी कि वन डालने पर जो आएगा टर्म उसे हम वन बोल रहे हैं एक्स आई। आई इक्वल जब टू डालेंगे तो एक्स टू होगा, आई इक्वल टू थ्री डालेंगे तो एक्स थ्री होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें एन टर्म तक जाना है। और यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। इन क्या जो नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन है उसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो इसे आपको समझने के लिए आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी आप जान पाओगे कि मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइंड मीन डेविएशन ऑफ 26458। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें एज्यूम्ड मीन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे करने के लिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 8। एज्यूम्ड मीन जो होता है वो हमेशा हमें बीच वाले टर्म को लेना रहता है, कब, जब हमारे पास ऑड टर्म्स दिए गए हों। जब इवन है तो क्या करेंगे, इवन रहा तो हम बीच वाला तो ले नहीं सकते, तो एक हम ज़्यादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आंसर फिर भी आएगा। तो इसमें हम देखो, मैंने सिक्वेंस में अरेंज किया, इसे असेंडिंग ऑर्डरिंग के सिक्वेंस में अरेंज किया, तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन जो आया वो आया 5, और यहाँ पे एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, वो भी 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 5 है। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, देखिए आई बराबर 1 से, यानी कि एक्स आई क्या है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस ए, यानी कि 2 माइनस हम क्या करेंगे ए, तो आया कि हमारे पास माइनस 3 और उसका मॉड लगा गया है, उसे हम प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड लगाने से हमें कोई भी निगेटिव पॉजिटिव बदल जाता है। उसके बाद क्या, प्लस समेसन है इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद क्या है, x2 क्या है हमारे पास 4 माइनस ए, यहाँ फिर माइनस 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, x3 क्या है हमारे पास 5, और 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, x4 हमारे पास 6 है, 6 माइनस 5 डेट इज़ 1, और जो है हमारे पास 8, और 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, और इन से हमें डिवाइड करना है, तो इन हमारे पास कितना है 5, तो हमारे पास आंसर कितना है 8/5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पे एक्स आई का मतलब है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया है। हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एनडीए 2010 पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड मीन डेविएशन ऑफ 2, 9, 9, 3, 6, 9 and 4। देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, हम 2 आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 9, 9, 9। तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन क्या हुआ, 6। तो हम फार्मूला लगाएंगे फिर से, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन एन।
तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन क्या है, 2 - 6 दैट इज़ -4, उसका मॉड लेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर से इसी सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास 3 आया, इसे 2 किए, फिर इसी को इसी सब्ट्रैक्ट किए तो आया 0, फिर 3 + 3 + 3। समझ में आ रहा होगा, इस फॉर्मूला से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे पास एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास क्या आ गया, 18/7, इसे 2.57 के राउंड लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन अगर आएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होंगे, और NDA में टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं। देखिए पहले ग्रुप डेटा होता क्या है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ग्रुप डेटा क्या होता है, जहाँ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, जो कि मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया भी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, फिर भी हमें एज्यूम मीन निकालना ही होगा, एक साइन हमें फिर से उसे सब्ट्रैक्ट करके मॉड लेना ही होगा, तभी हम एज्यूम मीन बता सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, अगर मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा इसे करके कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप डेटा है। करना क्या है आपको, एज्यूम्ड मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का आपको मिड वैल्यू लेना है, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45। तो देखिए एज्यूम्ड मीन हम इससे निकालेंगे, तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन क्या ले सकते हैं, 25, बीच वाला हमें लेना रहता है, तो एज्यूम्ड मीन हमने लिया 25। तो अब हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, मीन डेविएशन इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऊपर, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, पहला हम डालेंगे एफ़ आई की जगह पर हम डालेंगे 1, तो हमारे पास क्या है, f1 × x1 - a। तो f1 क्या है हमारे पास, 5 × mod of x1, हमारे पास क्या आएगा, x1 है हमारे पास 5 - assumed mean क्या है 25, ये क्या हो गया हमारे पास 100, क्योंकि -20 जब 20 लेंगे 100। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड टर्म 2 × 15 - 25, ये हो जाएगा 20। उसके बाद 3 × 25 - 25 = 0, उसके बाद 1 × 35 - 25 = 10, और लास्टली क्या हो जाएगा, 6 × 45 - 25 = 120। देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला में क्या लिखा है, मैंने इस सब का समेशन लिया है, तो समेशन इन लोगों का सभी का क्या हो जाएगा, 100 + 20 + 0 + 10 + 20, मैं एक साथ इसे 130 लिख रहा हूँ, अपॉन, अब फार्मूला में ऊपर फिर से जाइए, क्या है, समझिए, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगा, 5 + 2 = 7, 3 = 10, 7 = 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा है, लेकिन मैंने जब भी पीछे बताया मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कैलकुलस के अब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने वाला हूँ, जैसे ही स्टैटिक्स समाप्त हो जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा NDA के एग्ज़ाम या एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आप अपीयर हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।